आंगनवाड़ी कर्मचारी सभा महाराष्ट्र नागपुर की ओर से विविध मांगों को लेकर विधान भवन पर दस्तक दी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के वेतन में तत्काल भारी वृद्धि की घोषणा की जाए, न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, शीतकालीन सत्र में इसे मंजूरी मिलनी चाहिए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ऐसी कई मांगों को लेकर यह आंदोलन किया गया। शीत सत्र पर जो है आंगनवाड़ी के मोर्चे ने दस्तक दी है, आप देख पा रहे हो, मेरे पीछे देख पा रहे हो और आप पूरी नजर जहां घुमाओगे बहुत ही भव्य ऐसा बड़ा मोर्चा है। पूरी आंगनवाड़ी की महिलाएं जो है इस मोर्चे में आपको शामिल हुई दिखाई देती है। विविध मांगों को लेकर जो है आज ये मोर्चा विधान भवन पर दस्तक दे रहा है, जो कि उनकी समस्या है। कई दिनों से कई समस्याओं को लेकर ये आंगनवाड़ी की महिलाएं जो है समस्या को जो है बयां कर रही है और आज वो अपनी समस्याओं को लेकर जो है विधान भवन पर आई है। आप देख पा रहे हो कि बड़ी संख्या में यहाँ पे जो है आंगनवाड़ी सेविकाएं जो है यहाँ पे आई है। मानधन बढ़ाने की उनकी मांग है, किमान वेतन लागू करने की उनकी मांग है, साथ ही साथ जो है सरकारी कर्मचारियों के दर्जा, ऐसे कई तरह की मांगों को लेकर यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ आंगनवाड़ी की सेविकाएं उपस्थित है, उनसे जानते हैं कि क्या उनकी प्रमुख मांगे हैं। और मैं सब गौतमी मानिक मंडप है जिला भंडारा आई टक यूनियन उपाध्यक्ष। हमारी मांगे ये है, हमें मासिक पेंशन चाहिए और किमान वेतन चाहिए, और जब तक हमारा वेतन नहीं बढ़ता होता है तब तक हमको भरघोस मानधन चाहिए, और मोबाइल चाहिए हमको शासन से। हमें जो मोबाइल दिया था वो मोबाइल हमारा खराब हो गया है और मराठी में चाहिए, और हमारे हम पूरे महाराष्ट्र से जनता यहाँ पूरी आंगनवाड़ी सेविकाएं मदद से उपस्थित है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम इस आंदोलन का और आक्रोश बनाएंगे और तीव्र बनाएंगे, ये हमारी घोषणा है। मैं आंगनवाड़ी सेविका तथा CITU संघटनेची नागपुर जिल्हा सचिव संघटक है। माझं नाव मनीषा टाकरखडे बेले है आणि मी गेल्या 14 वर्षापासून आंगनवाड़ी सेविका म्हणून कार्यरत आहे। आम्हाला गेल्या आम्ही 48 वर्षांमध्ये सेवा देत आहोत ICDSला, आणि आम्ही ज्या लोकांचे म्हणजे मुलगा लग्न करतो त्याची बायको येते तेव्हापासून तर तिचे मुले 18 वर्षाची होईपर्यंत आम्ही सेवा देतो शासनाला। गरोदर बायांना सेवा देतो, गरोदर स्तंभ बायांना देतो, 0 ते 6 वर्षाच्या मुलांना सेवा देतो। कुपोषित बालक घडवू नको होऊ नये यासाठी आम्ही काय म्हणतो त्याच्यामध्ये त्यांना शिक्षणाचा आहाराचा आणि आरोग्याचा पण दर्जा वाढवतो। पण इतके वर्ष आम्ही सेवा देऊन आम्हाला आजपर्यंत सरकारने आमच्या पदरात काय पाडलं हा एक मोठा प्रश्न आहे, कारण की महागाई झपाट्याने वाढत आहे। कारण की एकनाथ शिंदे साहेब म्हणत आहे की मागल्या वर्षी आम्ही सत्तेत आलो तेव्हा 1500 मानधन वाढ केली, परंतु मी त्यांना विचारू इच्छिते की भाऊ तुम्ही इतके जाई तुम्ही 1500 मानधन वाढ केली परंतु 1500 का तितकी महागाई काय काय वाढवली तुम्ही ते सांगा। मागण्या पूर्ण झाल्या नाही, आमच्या जास्त मागण्या आहे, आम्हाला जास्त नको। आम्हाला इतक्या वर्षाचा आम्ही 48 वर्षाची सेवा दिली, आम्हाला शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा द्यावा, किमान वेतन 26,000 द्यावं, पेन्शन द्यावं, आणि गुजरात सुप्रीम कोर्टाने जो ग्रॅज्युटीचा आम्हाला जो काही ऑर्डर दिला आहे तो त्याचा GR काढून त्याचा हक्क आम्हाला द्यावा, एवढ्या चारच रास्त मागणं आहे। तर आम्ही देखा की कई मांगों को लेकर जो है आंगनवाड़ी सेविकाओं ने आज दस्तक दी है, और मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ये आंदोलन जारी रखने का इशारा भी दिया है, और बहुत ही रास्त मांगों को लेकर वो यहाँ आए ऐसा उनका कहना है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।